नमस्ते दोस्तों, दिल्ली के जंतर मंतर पर लद्दाख के सेलिब्रेटेड इंजीनियर सोनम वांगचुक प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मेरी उम्मीद थी कि उन पहाड़ों के बुलंदियों से हमारी आवाज दिल्ली तक और सरकार तक जरूर पहुंचेगी, मगर लगता है शायद नहीं पहुंची। देखा जाए तो ये प्रोटेस्ट कोई नई नहीं है। सोनम वांगचुक ने 21 जनवरी को अपने YouTube चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया था, जिसमें उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को संबोधित करते हुए बताया कि नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल के अलावा लद्दाख को द थर्ड पोल के नाम से जाना जाता है। एंड उस वीडियो में उन्होंने लद्दाख को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 6th शेड्यूल में डालने की डिमांड पर और जोर डाला। वैसे देखा जाए तो लद्दाख को 6th शेड्यूल में डालने की डिमांड कोई नई नहीं थी। लद्दाख के लोग पिछले 2 साल के ज़्यादा के समय से लद्दाख को 6th शेड्यूल में डालने के लिए डिमांड कर रहे हैं, ताकि वो वहाँ के एनवायरनमेंट को एंड वहाँ की जो ट्राइबल पॉपुलेशन है, जो इंडिजीनियस पीपल हैं वहाँ के, उन लोगों को बचा सकें। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि लद्दाख क्यों 6th शेड्यूल में आना चाहता है एंड उसको क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं एंड इस चीज़ के लिए उन्हें क्यों प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है। सोनम वांगचुक अपनी डिमांड्स को पूरी दुनिया के सामने रखने के लिए 25 जनवरी को हंगर स्ट्राइक पर चले गए। ये हंगर स्ट्राइक 25 जनवरी से 30 जनवरी तक चलनी थी, लेकिन 27 जनवरी को सोनम वांगचुक ने अपने YouTube चैनल पर एक और वीडियो अपलोड किया, जिसमें उन्होंने बताया कि उन्हें हाउस अरेस्ट कर दिया गया है, जबकि वो तो कोई पॉलिटिकल लीडर भी नहीं। तो उन्हें हाउस अरेस्ट क्यों किया गया? उसी वीडियो में सोनम वांगचुक ने बताया कि अगर उनकी डिमांड्स नहीं मानी गई तो वो हंगर स्ट्राइक को और ज्यादा बड़ा कर देंगे, लंबे ड्यूरेशन तक हंगर स्ट्राइक करेंगे। एंड अगर उसके बाद भी उनकी डिमांड्स पर कोई ध्यान नहीं दिया गया तो वो दिल्ली के जंतर मंतर पर आकर अपनी प्रोटेस्ट करेंगे। एंड जो प्रोटेस्ट अब दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रही है वो उसी टाइम से। अब इस प्रोटेस्ट के रीजन समझने से पहले हमें लद्दाख एंड 6th शेड्यूल को समझना होगा, ताकि हम पता लगा सकें कि ये 6th शेड्यूल क्या है एंड लद्दाख 6th शेड्यूल में शामिल क्यों होना चाहता है। लद्दाख के बारे में बात करूं तो लद्दाख की ज्योग्राफी एंड टेरेन बहुत ही हार्ड एंड डिफिकल्ट है। वहां का क्लाइमेट बहुत ही कोल्ड एंड ड्राई है। सालाना रफली 3 इंच तक ही बारिश होती है वहां पर, लेकिन स्नोफ्लेक्स एंड स्नोफॉल वहाँ पर काफ़ी कॉमन है। वहाँ के लोगों के लिए वहाँ रहना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन जैसे तैसे वहाँ के लोगों ने खुद को अडेप्ट कर लिया है वहाँ पर। लद्दाख में रहने वाले लोगों के लिए पीने के पानी की एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि वहाँ के जो ग्लेशियर्स हैं वो बहुत तेजी से पिघल रहे हैं और लद्दाख के ग्लेशियर्स एकमात्र रिसोर्सेज हैं उनके पीने के पानी के लिए। लद्दाख में से जब से आर्टिकल 370 को हटाया गया है, वहां पर टूरिस्ट बहुत ज्यादा संख्या में जाने लगे हैं। वहां पर अब कोई भी जाकर जमीन खरीद सकता है, कोई भी जाकर फैक्ट्रीज लगा सकता है, जिसकी वजह से लद्दाख के ऑलरेडी स्कार्स रिसोर्सेज बहुत तेजी से डिप्लीट कर रहे हैं। एंड अगर उनके ये रिसोर्सेज डिप्लीट कर गए तो लद्दाख के एनवायरनमेंट, लद्दाख के लोगों के लिए वहां पर रहना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा। इसीलिए लद्दाख के लोग लद्दाख को 6th शेड्यूल में डालने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। 6th शेड्यूल की बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 6th शेड्यूल ट्राइबल पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट करता है और उन्हें ऑटोनॉमी देता है अपने खुद के रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने की। 6th शेड्यूल में प्रेजेंट टाइम में सिर्फ असम, मिजोरम, मेघालय एंड त्रिपुरा आते हैं। 6th शेड्यूल के अंडर गवर्नर के पास पावर्स होती हैं कि वो इन ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट्स को ऑर्गेनाइज या रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं। 6th शेड्यूल की बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 6th शेड्यूल ट्राइबल पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट करता है एंड उन्हें ऑटोनॉमी प्रोवाइड करता है, ताकि वो
अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस खुद बना सकें। सिक्स शेड्यूल के अंडर गवर्नर के पास ऐसी पावर्स होती हैं कि गवर्नर किसी भी ऑटोनोमस रीजन को ऑर्गेनाइज या रीऑर्गेनाइज कर सकता है। गवर्नर किसी भी एक ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट को बहुत सारे ऑटोनोमस रीजन्स में बांट सकता है। हर एक ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट में 30 मेंबर्स की एक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होती है जो कि वहां के हर टाइप के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। इन 30 मेंबर्स में से 4 मेंबर गवर्नर के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं एंड जो बचे हुए जो 26 मेंबर्स होते हैं वो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर लद्दाख की ऑलमोस्ट 90% पॉपुलेशन ट्राइबल पॉपुलेशन है तो फिर प्रॉब्लम क्या है कि लद्दाख को सिक्स शेड्यूल में क्यों नहीं रखा। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर लद्दाख की 90% से ज्यादा पॉपुलेशन ट्राइबल पॉपुलेशन है तो प्रॉब्लम कहाँ है, लद्दाख को क्यों सिक्स शेड्यूल में नहीं रखा जा रहा है और वहां की पॉपुलेशन को सिक्स शेड्यूल में आने के लिए क्यों प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है। एक्चुअल प्रॉब्लम ये है कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सिक्स शेड्यूल केवल नॉर्थ ईस्ट के लिए बनाया गया था एंड नॉर्थ ईस्ट के बाहर की जो भी ट्राइबल पॉपुलेशंस हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए फिफ्थ शेड्यूल बनाया गया था। इवन मणिपुर, नागालैंड एंड अरुणाचल प्रदेश भी सिक्स शेड्यूल में नहीं आते हैं जबकि वहाँ की तो ऑलमोस्ट सारी ही पॉपुलेशन ट्राइबल पॉपुलेशन है। लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये सरकार पर डिपेंड करता है क्योंकि गवर्नमेंट कभी भी पार्लियामेंट में एक बिल इंट्रोड्यूस कर सकती है एंड लद्दाख या किसी भी एरिया जो कि नॉर्थ ईस्ट से बाहर है उनको सिक्स शेड्यूल में रखा जा सकता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो सोनम वांगचुक और लद्दाख के लोगों द्वारा उठाई गई डिमांड्स एंड उनके कंसर्न्स बिल्कुल जायज हैं। क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है एंड उसकी वजह से वहां के ग्लेशियर्स बहुत तेजी से पिघल रहे हैं जो कि वहां के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है क्योंकि अगर पीने का पानी नहीं होगा तो लाइफ कैसे सस्टेन करेगी। एंड ऊपर से अगर टूरिज्म अनसस्टेनेबल वे से बढ़ेगा तो प्रॉब्लम शायद हमारी रीच से भी बड़ी हो सकती है जैसा कि हमने रिसेंटली जोशीमठ में देखा। सो मुझे लगता है कि लद्दाख को सिक्स शेड्यूल में शामिल ना भी किया जाए पर फॉर श्योर लद्दाख को स्पेशल राइट्स मिलने चाहिए एंड वहां पर बड़े लेवल पर इंडस्ट्रीज को सेटअप नहीं होने देना चाहिए। एंड अगर हमने हमारी ग्रीड को कंट्रोल में नहीं रखा तो हम शायद एक और ब्यूटीफुल लोकेशन को अनसस्टेनेबल बना सकते हैं। एंड मेरा मानना है कि टूरिज्म को भी सस्टेनेबल वे से प्रमोट करना चाहिए ताकि हम एक अच्छी लाइफ अर्थ पर छोड़ के जा सकें, एक अच्छी लेगेसी छोड़ के जा सकें हमारी आने वाली जनरेशन के लिए। दोस्तों पाकिस्तान भी एक बहुत बड़ी आर्थिक संकट में फंसा हुआ है, उसके बारे में आपको अगर और जानना है तो आप ये वीडियो देख लें और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो।